नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, क्या आपका बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, बोलते समय तुतलाता है, हकलाता है, या अभी उसकी स्पीच सही से आ नहीं रही है, स्पीच डिले है? कई सारे प्रश्न हैं जो पेरेंट्स के हैं, उन सभी के लिए मैं आज ये जवाब लेकर आया हूँ कि यदि आपका बच्चा बोलने में देरी कर रहा है तो आपको जरूर उस चीज के लिए सोचना चाहिए कि आखिर इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके कई सारे कारण होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि जो आपके घर में कुछ लोग हैं या जो पड़ोसी हैं, वो आपसे कह देते हैं कि कई बच्चे होते हैं जो लेट बोलते हैं, तो आप थोड़ा इंतजार करिए, और आप इंतजार करने लगते हैं, आप उस समय को आप निकाल देते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आपका बच्चा बोलने में देरी कर रहा है तो आप उस समय को बर्बाद मत कीजिए। आखिर उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है जिसके कारण की ये प्रॉब्लम आ रही है। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कारण की बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने जैसे कैसे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रीजन है कि यदि आपके बच्चे की बर्थ हिस्ट्री अब नॉर्मल है तो उसके कारण भी बच्चे की स्पीच डिले होती है। तो बर्थ हिस्ट्री अब नॉर्मल होने के कारण बच्चे का ब्रेन जो होता है डैमेज हो जाता है, उसके कारण बच्चे का बोलना देरी से आता है। दूसरी चीज कि यदि बच्चे का स्पीच का सेंटर सही से डेवलप नहीं हुआ है, उसके फंक्शंस प्रॉपर नहीं है, उसके कारण भी बच्चे की बोलने में देरी होती है, बच्चा सही से बोल नहीं पाता। यदि आपके बच्चे को ऑटिज्म नाम की बीमारी है तो उसमें भी बच्चे अच्छे से अपने आप बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि बच्चे को वो एक माहौल नहीं मिल पाया जिसमें कि वो किसी से बात कर सके, ऐसे बच्चे भी जो होते हैं थोड़ा देर से बोलना सीखते हैं। जैसे जो न्यूक्लियर फैमिली में है, जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चा है, पेरेंट्स जॉब पे चले जाते हैं, बच्चा अकेला घर में है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसे बच्चे थोड़ा सा देर से बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि वो उनको माहौल नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, या फिर एक कारण और भी है कि कोविड टाइमिंग में भी ये चीज कॉमनली देखी गई है कि बच्चे थोड़ा सा लेट बोलना सीखे हैं, क्योंकि बच्चों को वो एक माहौल नहीं मिल पाया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, खेलना छोड़ दिया बच्चों ने, घर ही घर में अकेले रहे, मोबाइल और टीवी देखते रहे, इसके कारण भी बच्चों में स्पीच डिले की प्रॉब्लम आई है। तो कारण ये बहुत सारे हैं, और भी कारण हैं जिससे बच्चों की स्पीच डिले होती है, लेकिन क्या हमें इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो किस तरफ हमें रुख करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, स्पीच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में स्पीच के लिए काफी अनेक उत्तम औषधियां हैं, जैसे वचा, मधुयष्टि, मुलेठी, इसके अलावा अनेक ग्रथ हैं, ग्रथ फॉर्म में जो औषधियां हैं जो मेद रसायन के रूप में काम करती हैं, स्वर्ण प्राशन है, अनेक उत्तम औषधियां हैं जो बच्चों की उम्र के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी कंडीशंस को देखते हुए बच्चे को दी जाती है। तो यदि आप जितना अर्ली एज में ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो बच्चा उतनी जल्दी से बोलने लगता है और इम्प्रूवमेंट फास्ट होता है, लेकिन जितना आप लेट होते जाते हैं और जितना आप एक एज में आने के बाद ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें समय लग जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी बात कीजिए कि अगर स्पीच की हम बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं यहीं से रिलेशन है, क्योंकि सारे सेंटर्स ब्रेन के अंदर हैं। तो यदि बच्चे का ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, ब्रेन के फंक्शंस अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली आपके बच्चे की स्पीच भी जल्दी आएगी और स्पीच फास्ट होगी। तो आयुर्वेद में इस तरह की प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें कि बच्चे जल्दी से जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप आयुर्वेद की तरफ रुख करिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए और जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि इसमें लेट करना सही नहीं है। आप जितना लेट होंगे टाइम उतना ज्यादा लगेगा और एक बच्चे का एक सही समय निकल जाएगा जिसमें कि उसमें एक उसकी जो ग्रोइंग एज है, जो उसकी जो ग्रोथ होना चाहिए, उसमें समय निकल जाएगा, फिर आपके पास पछताना रहेगा। इससे अच्छा ये है कि आप फटाफट उसका ट्रीटमेंट शुरू करें और बच्चे को ऐसी आयुर्वेद की उत्तम औषधियां दें जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी बोलना शुरू करे। जय आयुर्वेद।